दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीजीएस कोचिंग। जैसा कि आप सबको पता है, आज केवीएस का प्राइमरी टीचर के यानी पीआरटी के लिए एग्जाम हुआ है। तो हम जो इसका बेसिकली हम क्या करने वाले थे, जो इसका डिटेल सॉल्यूशन हम देने वाले थे, वो हम देने वाले थे 24 दिसंबर को। पर आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आंसर की प्रोवाइड करा दीजिए, तो हम आप लोगों के रिक्वेस्ट के हिसाब से हम आपको सब्जेक्ट वाइज आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं छोटी छोटी वीडियोज में। तो इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे हिंदी की आंसर की। हिंदी में जैसे कि आपको पता है, उसमें एक तो आपका आता है भाग वन, पार्ट वन आता है, एक आता है आपको सब्जेक्ट वाइज हिंदी आती है, ठीक है, तो पार्ट टू आता है। पार्ट वन में हमारा, जैसे हमारे पास क्या है ना, हमारे पास जो पेपर है वो डी सीरीज का है, ठीक है, तो डी सीरीज का पेपर है और ये पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे जाके आंसर की और पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आप पेपर की, पेपर और आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो जो पार्ट वन में डी सीरीज में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो 11 से 20 तक हैं, पार्ट टू में जो हिंदी में दिए हुए हैं वो 71 से 80 तक हैं, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। हमारा जो, जिसे हमें जो हमारा डिटेल सॉल्यूशन आएगा 24 को, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा जो भाग वन है, पार्ट वन 11 से 20 क्वेश्चन का, उसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंह वन में रहता है, सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। इसमें जो रेखांकित हिस्सा है वन में, उसमें कारक पूछा है इन्होंने, तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है अधिकरण कारक, ठीक है। आप अपने अपने हिसाब से, आप अपनी जो सीरीज में आपको जहां भी आंसर दिया होगा, हम आपको ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रहे हैं कंफ्यूजन के लिए, तो आपको जो भी आंसर वो अधिकरण कारक जैसे डी सीरीज में पहले नंबर पे दिया हुआ है, आपकी सीरीज में किसी और नंबर पे दिया होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा अपने अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, 12वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है विद्वान का स्त्री लिंग है, ठीक है। उसमें जो विद्वान का जो स्त्री लिंग होता है, जो उसका सही आंसर है वो है विदुषी। 13वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें जो हमारा अशुद्ध वाक्य है वो है बैठक का समय 4:10 होगा, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है हमारा, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, तो इसमें इस मुहावरे का सही अर्थ पूछा है। इस मुहावरे का सही अर्थ तो आपको पता ही होगा, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है ईर्ष्या करना, तो इसका जो आंसर है वो होगा ईर्ष्या करना। 15वां क्वेश्चन है हमारा, शाखा का बहुवचन है, शाखा का बहुवचन क्या होता है, शाखा का बहुवचन होता है शाखाएं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शाखाएं। 16वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो हमारा होगा आंसर वो होगा नभ, ठीक है। पर्वत का जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपके ऑप्शन लगे हुए होंगे, तो इन दिए हुए ऑप्शन में जो आंसर है वो है नभ। परिक्रमा का, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है, परिक्रमा शब्द में जो उपसर्ग है वो है परी। आप ऑप्शन देखते रहिए स्क्रीन पे, हमने ऑप्शन लगाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें जो आंसर है वो होगा परी। निम्नलिखित 18वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा उज्ज्वल। अगला हमारा क्वेश्चन है 19वां, जिसका जो क्वेश्चन है हमारा, सुख चैन में समास है, इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर है वो होगा द्वंद। 20वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जल्दी चलो, जल्दी चलो रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है, इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा क्रिया विशेषण, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके 71 क्वेश्चन पे, पार्ट टू में हिंदी में, जो हमें पार्ट टू में दिए हुआ है हिंदी, हम उस पे देख के और उसके वो करते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं 71 से 80 तक, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम शुरू करते हैं 71 से। रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है, वाक्य लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मिस्र। इसी तरह से 72वां क्वेश्चन है हमारा 72, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है अमीर खुसरो। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन है 73 जो है, दवाई का बहुवचन है,
तो इसमें जो दवाई का बहुवचन होता है वो होता है दवाइयां। तो हमारा सही आंसर है दवाइयां। संस्कृत मूल के 74वां क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाएगा। इसका सही आंसर होता है तत्सम। आप अपने अपने आंसर की अपने अपने क्वेश्चन सीरीज के हिसाब से आप देख लीजिएगा वो आंसर आपका कहाँ पे आ रहा है। हमारी ये जो आंसर की है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो है डी सीरीज का, उसमें जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है आपके में, अलग जगह पे भी हो सकता है। तो जो 75 हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं। मैं दोबारा पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। 75 क्वेश्चन है भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारोपीय, आग्नेय, द्रविड, तिब्बत, धर्मी। ठीक है, ऐसे ही हमारा 76 है। 76 जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विक में दिए गए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में वो कर गया। क्वेश्चन है हमारा 76, प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विक में दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रतिता। ठीक है, ऐसे ही हमारा 77 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई है। सॉरी, हमारा जो 76वां क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था पूरा, इसमें पेपर में थोड़ा सा मिटा हुआ है तो मैं गलत बोल गया था। 76वां जो हमारा क्वेश्चन था वो था प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं। तो उसका जो विकल्प था वो था प्रतिता। जो 77 हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं। तो इस ये हमारा जो इसमें जो हमें शब्द दिए हुए हैं वो शब्द दिए हुए हैं हमें सुंदरता, अपनाया, आप, उष्ण। इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है जी, ऐसे ही हमारा 78वां क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है। इस जो क्वेश्चन में रेखांकित शब्द है वो है पीताम्बर। तो हमें के बेसिकली क्या करना है, इस वाक्य के हिसाब से हमें रेखांकित शब्द में यानी पीताम्बर में समास बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्मधारय। ठीक है जी, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन है 79, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है। तो इस श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, श्रीमती, इसलिए इसका आंसर है श्रीमती। ऐसे ही हमारा 80वां क्वेश्चन है, जैसे हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी खाली स्थान है, हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी रिक्त स्थान है, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा इसका वो होगा जान लगाना। हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान लगाते हैं। ठीक है, इसे हम ऐसे देख सकते हैं। और हम जल्दी और के भी लेके आएंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, शेयर करिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो हम अभी और सब्जेक्ट की भी वीडियो हमारी आने वाली है इसके बाद। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।